Good morning, students. In previous lecture, we discussed about the need of constitution. Today, we discuss the rest of the topics of chapter first. So today, we will complete the chapter number one of political science. So let us start our next topic, and the next topic is the features of Indian constitution. It is very important question of this chapter. Features. ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक एक पॉइंट को अच्छे से क्या करना है समझना है कि भारत देश का जो संविधान है जो एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया उसकी कौन कौन सी विशेषताएँ आज टोटल चार से पांच टॉपिक हैं जो बचे हुए हैं उन सभी को आज हम क्या करेंगे कवर करेंगे तो सबसे पहले है जो फर्स्ट आपका फीचर्स है वो है लार्जेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित क्या है संविधान है लार्जेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड सो इट इज द फर्स्ट फीचर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूटन विच हैज़ 395 नाइनटी आर्टिकल्स एट शेड्यूल्स एंड ट्वेंटी चैप्टर्स इन द बेसिक कॉन्स्टिटन ओके, सो इट इज द फर्स्ट फीचर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड, प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स. प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स है विच आर गिवन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू इट्स पीपल भारत देश के नागरिकों को जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से प्राप्त है भारत के संविधान से प्राप्त है यही कारण है कि जो हम देश के जो नागरिक हैं वो आज क्या कर रहे हैं स्वतंत्रता से समानता से भाईचारे के साथ आज हम क्या कह रहे, है? रहे हैं एक दूसरे के साथ रह रहे हैं थर्ड जो है आपका जो इसका एक अल्टीमेट फीचर है वो है रिजिडिटी एंड फ्लैक्सिबिलिटी रिजिडिटी एंड फ्लैक्सिबिलिटी इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा कि रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट सो मच रिजिड एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भारत का संविधान रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है इट मींस कि ये मिक्सचर है ये इतना रिजिड नहीं है एज लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको सिंपल मेजोरिटी से क्या किया जा सकता है अमेंड किया जा सकता है सिंपल मेजोरिटी देखिए भारत संविधान के अंदर जब भी कोई संसद क्या करती है बदलाव करती है तो कुछ तो सिंपल मेजोरिटी से लेकिन कुछ जो अमेंडमेंट होते हैं उसके लिए क्या होनी चाहिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी होनी चाहिए जो होती है टू बाई थर्ड मेजोरिटी प्लस मोर देन फिफ्टी परसेंट जो स्टेट्स हैं कितने परसेंट फिफ्टी परसेंट जो स्टेट्स हैं उनका क्या होना चाहिए यस yes होना चाहिए इफ वी आर ट्राइंग टू चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देश के मौलिक प्रावधानों के अंदर कोई चेंज कर रहे हैं तो दो बटे तीन बहुमत चाहिए संसद का और उसके साथ 50 परसेंट से ज्यादा जो स्टेट्स है उनका अगर स्टेट होता है जैसे जीएसटी लगाया था अभी जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तो उसके लिए 50 परसेंट जब तक स्टेट्स ने यश नहीं किया तब तक जीएसटी को पूरे देश के अंदर क्या नहीं किया गया था लागू नहीं किया गया था तो भारत देश का जो संविधान है वो दोनों का मिक्सअप है रिजिडिटी भी है और इसके अंदर क्या है फ्लेक्सीबिलिटी भी है नेक्स्ट आपका जो फीचर है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है बच्चों पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये हमने कहां से लिया है यूके से आज हम वो सारे प्रोविजंस डिस्कस करेंगे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किए हैं बोरो किए हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सबसे अल्टीमेट क्या होता है फीचर क्या होता है कि इसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो रियल हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होता है और जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द क्या होता है कंट्री होता है तो ये आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट है सेकुलरिज्म नेक्स्ट जो फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है सेकुलरिज्म कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया को क्या बनाता है एक सेकुलर कंट्री बनाता है इट मींस इंडिया हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन और हमारे देश के अंदर सभी जो धर्म है उनको इक्वल स्टेटस क्या है दिया गया है इट इज वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो ये आपको सारे क्या करने हैं लर्न करने हैं नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी नेक्स्ट क्या है बच्चों इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम हमारे देश के अंदर जो जुडिशरी ऑर्गन है गवर्नमेंट का ये क्या है इंडिपेंडेंट है इट इज फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव अब आप कहेंगे सर जितने भी जजेज हैं उनके अपॉइंटमेंट तो जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उनको कौन अपॉइंट करता है तो उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करता है अपॉइंट करते हैं और प्रेसिडेंट कौन है जो एग्जीक्यूटिव के हेड है लेकिन एक बार अपॉइंटमेंट के बाद जो जुडिशरी है वो फ्री है अपने क्या करने के लिए अपने डिसीजन लेने के लिए नेक्स्ट जो फीचर है वो है सिंगल सिटीजनशिप क्या है सिंगल सिटीजनशिप कुछ कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर ड्यूल सिटीजनशिप होती है ड्यूल सिटीजनशिप कि यूएसए का अगर कोई क्या आपका सिटीजन है अगर वो फिफ्टी जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं उनसे मिलकर क्या बना हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना हुआ है तो यूएसए की सिटीजनशिप वो नेशनल सिटीजनशिप अगर स्टेट के अगर लेना जिस स्टेट का कोई निवासी है उसको वहां की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी तो यूएसए के अंदर क्या है ड्यूल सिटीजनशिप है लेकिन हमारे इंडिया के अंदर क्या है सिंगल सिटीजनशिप है कि अगर हरियाणा का कोई बंदा है तो उसके पास केवल या गुजरात का है कोई पश्चिम बंगाल का है तो उसके पास केवल एकैरी नागरिकता है इट स दैट वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया केवल हम भारत देश के नागरिक हैं हमारे यहां पर ड्यूल सिटीजनशिप नहीं है ड्यूल सिटीजनशिप नहीं है नेक्स्ट जो आपका फीचर है वो है एमरजेंसी पावर्स एमरजेंसी पावर्स जो है वो किसके हाथों में होती है एमरजेंसी पावर होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और एमरजेंसी पावर्स से रिलेटेड आर्टिकल तीन है 352, 356 और थ्री ये नेशनल इमरजेंसी से है ये स्टेट इमरजेंसी से है और ये आपका कौन से है फाइनेंशियल इमरजेंसी तो ये आपकी जो तीनों इमरजेंसी पावर है ये किसके हाथों में होती है प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के हाथों में होती है लेकिन इनका यूज प्रेसिडेंट कब कर सकता है तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट कैबिनेट की रिकमेंडेशन के ऊपर ही क्या कर सकता है ये हमारा जो राष्ट्रपति जी हैं जो इन संकटकालीन शक्तियों का क्या कर सकते हैं प्रयोग कर सकते हैं दीज आर द वेरियस फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसके अलावा बाई कैमरल लेजिसलेचर भी है हमारे पास हमारे पास स्टेट लेवल पे हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली है नेशनल लेवल पर हमारे पास पार्लियामेंट है जिसको लोकसभा और क्या कहते हैं राज्यसभा कहते हैं नेशनल लेवल पर बाई कैमरल कैसे है नेशनल लेवल पर हमारे पास क्या है पार्लियामेंट है क्या है पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के कितने हाउसेज हैं टू हाउसेज है एक क्या है लोकसभा एक कौन सा है राज्यसभा स्टेट लेवल पर भी लेजिस्लेटिव असेंबली है और लेजिस्लेटिव काउंसिल है छह ही स्टेट ऐसे हैं जिनके पास क्या है लेजिस्लेटिव काउंसिल है वरना सभी स्टेट्स के अंदर केवल क्या है यूनिक एमरल लेजिस्लेचर है जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जानते हैं अपने हरियाणा में लेजिस्लेटिव असेंबली है लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है आंध्र प्रदेश हो गया कर्नाटक हो गया महाराष्ट्र हो गया ये कुछ छह स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर क्या है legislature, है लेजिस्लेचर सो दीज आर द द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बार मैं फिर दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लार्जेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज भी है अगर हम बढ़ाना चाहे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तो हम 15 से 20 फीचर्स क्या कर सकते हैं इजीली क्या कर सकते हैं लर्न कर सकते हैं नेक्स्ट है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अंदर अगर हम अमेंडमेंट करते हैं तो कुछ तो सिंपल मेजोरिटी से लेकिन कुछ के लिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए टू बाई थर्ड प्लस फिफ्टी परसेंट स्टेट्स की यस होनी चाहिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमने कहाँ से लिया यूके से लिया है फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अभी हम डिस्कस करने वाले हैं हर एक उस प्रोविजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो हमने दूसरे देश से लिया है सेकुलरिज्म है इंडिपेंडेंट जुडिश्री है सिंगल सिटीजनशिप और क्या है इमरजेंसी पावर सो दीज आर द वेरियस फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये भारतीय संविधान के क्या है अल्टीमेट फीचर्स है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आएगा अब आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव जिसे हिंदी में कहते हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और उद्देश्य प्रस्ताव को रिप्रेजेंट करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके तुरंत बाद आपकी क्लास इलेवंथ की ज्योग्राफी की भी जो वीडियो लेक्चर है वो जल्द ही क्या होगा अपलोड होगा तो पहले पॉलिटिकल साइंस का कर लेना उसके बाद हम किसके करेंगे ज्योग्राफी का करेंगे तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन देखिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो किसके द्वारा लाया गया लाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहर लाल नेहरू जो भारत के क्या थे प्रथम प्रधानमंत्री थे द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कब लेकर आए कब इन्होंने रिप्रेजेंट किया तो ये रिप्रेजेंट करने का टाइम था ध्यान से देखना है तेरह दिसंबर 1946 13th ऑफ दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था हिस्टोरिक जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसको मूव किया था जिसको एडोप्ट कब किया गया ये एडोप्ट वाली जो डेट है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एडोप्ट वाली जो डेट है वो आपकी कौन सी है ध्यान रखना है बाईस जनवरी उन्नीस सौ सैंतालीस ट्वेंटी सेकेंड जैन नाइनटीन फोर्टी सेवन तो ये तीन बेसिक क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कौन था जिसने रिप्रेजेंट किया मूव किया तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू कब किया था तेरह दिसंबर 1946 को और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कब एडॉप्ट किया गया तो ट्वेंटी सेकेंड जैन नाइनटीन अब बात करेंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के फीचर्स की ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके क्लास जो एग्जाम होते हैं आपके उनके लिए कि उद्देश्य प्रस्ताव की कौन कौन सी विशेषताएं हैं है? उद्देश्य प्रस्ताव में क्या कहा गया है तो, तो फर्स्ट जो फीचर है आपके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का उसमें साफ कहा गया है इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट सोवरियन एंड अ रिपब्लिक कंट्री भारत क्या होगा इंडिया इज अ सोवरियन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ये तीन जो क्या है सेंटेंसेज हैं वो क्या किए गए थे यूज किए गए थे कि इंडिपेंडेंट सोवरियन रिपब्लिक होगा ये किस में कहा गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कहा गया था रिपब्लिक का मतलब समझिए द हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट ऑन हेरिडिटरी पोस्ट ही और शी इज एन इलेक्टेड पर्सन इंडिया इज अ रिपब्लिक बिकॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इज एन इलेक्टेड पर्सन इज इट क्लियर सोवरेनिटी का मतलब होता है वेन ए कंट्री इज फ्री टू टेक इट्स डिसीजन विदाउट एनी प्रेशर दैट इज नॉन एज सोवरेनिटी तो फर्स्ट यही हमारे देश की जो क्या है प्रीमेबल है उसके अंदर भी यही बताया गया है कि भारत कैसा देश है एक सोवरेन कंट्री है एक रिपब्लिक कंट्री है एक इंडिपेंडेंट कंट्री है नेक्स्ट है सेकेंड जो फीचर है इंडिया शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स यूनियन ऑफ स्टेट्स और ये आर्टिकल फर्स्ट देखिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इंडिया के अंदर क्या क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सारे फीचर्स हैं बिल्कुल है लेकिन यहां पर जिस फ्रेज का यूज किया गया है उस फ्रेज का नाम क्या है इंडिया इज शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स अब इसके अंदर कौन कौन से यूनियन ऑफ स्टेट्स में जो ब्रिटिश प्रोविंशियल थी वो भी जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो भी ये सारे के सारे क्या होंगे इंक्लूड होंगे और जो अदर पार्ट्स हैं वो भी क्या हो सकते हैं इंक्लूड हो सकते हैं तो ये आपके किस में कहा गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर कहा गया था नेक्स्ट इसके अंदर ये भी कहा गया था कि टेरिटरीज फॉर्मिंग द यूनियन शेल बी ऑटोनोमस यूनिट्स एंड एक्सरसाइज ऑल पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बताया गया था कि जो भी टेरिटरीज इंडिया के अंदर क्या होंगी शामिल होंगी उनको अधिकार दिए जाएंगे आज जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके पास अपने क्या राइट्स हैं कि वो अपने राज्य का शासन क्या कर सकते हैं इजीली चला सकते हैं तो ये भी किसके अंदर दिया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर दिया गया था नेक्स्ट ऑल द पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ ए सोवरियन एंड इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन सेल फ्लो फ्रॉम द पीपल कि हमारा देश चाहे वह रिपब्लिक है चाहे वह इंडिपेंडेंट है लेकिन उसकी जो अल्टीमेट पावर होगी वह हम कहां से गेट करेंगे वो हम गेट करेंगे कहां से फ्रॉम द पीपल और अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर कोई भी जो इंडिपेंडेंट कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री होता है उसका जो अल्टीमेट सोर्स होता है वह होता है पीपल ऑफ दैट कंट्री क्या होता है पीपल ऑफ दैट कंट्री इसके अलावा जो सबसे बड़ा फीचर था किसका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जिसके अंदर लोगों के अधिकारों के बारे में बात की गई वो पॉइंट क्या था ऑल द पीपल ऑफ इंडिया शैल बी ग्रांटेड एंड सिक्योर्ड सोशल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल जस्टिस इक्वेलिटी बिफोर लॉ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल फंडामेंटल फ्रीडम्स ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फेथ वर्शिप एसोसिएशन एटसेट्रा ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इस पार्ट के अंदर क्या क्या बात की गई कि जितने भी देशवासी हैं, उनको क्या दिए जाएंगे फंडामेंटल राइट्स दिए दिए जाएंगे। क्या जाएंगे? फंडामेंटल राइट्स। जो आज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर नंबर थ्री के अंदर है. इसमें कहा गया, को किया जाएगा. का मतलब होता है लॉ कोई भी कानून से ऊपर नहीं है कानून सर्वोच्च है ये सारी बातें किसके अंदर एनश्राइन थी ये सारी की सारी बातें थी आपके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन था कि जितने भी माइनॉरिटीज हैं जितने भी दलित्स हैं उनको उनके इंटरेस्ट को सेफ किया जाएगा बाय द प्रोविजन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है आपके रिजर्वेशंस है रिजर्वेशन किन लोगों के लिए जो हमारे बैकवर्ड्स हैं जो हमारे माइनॉरिटीज हैं उनके इंटरेस्ट को सेफ करने के लिए क्या किया गया है प्यारे बच्चों प्रोविजन्स हैं जैसे लोकसभा के अंदर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देने के लिए एस के लिए कितनी 84 सीट्स और एस के लिए कितनी रिजर्वेशन दी गई है 47 सीट्स का क्या दिया गया है रिजर्वेशन दिया गया है सो ऑल दीज आर द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज मूव बाय द फर्स्ट फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन थर्टीन ऑफ दिसंबर नाइनटीन फोर्टी सिक्स विच वॉज एडॉप्टेड ऑन ट्वेंटी सेकेंड ऑफ जैन नाइनटीन फोर्टी सेवन इसमें क्या कहा गया इंडिया शेल बी ए सोरियन स्टेट independent state or republic. second, kagaga, india shall be a union of states which included the british provincial, the princely states and other territories which want to include in the india union. next, kya gaya? ki all the people of our country, they should be granted by the fundamental rights, by the right to speech of expression, by the equality before law. all uh, are given and all are mentioned in the objective resolution and special provision टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज द दलित इन आर कंट्री इंडिया सो ऑल दीज आर द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये सारे के सारे किसके फीचर्स थे उद्देश्य प्रस्ताव के जो उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था नेक्स्ट जो टॉपिक है अब हम जो करने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है और सिक्स मार्क्स का आता है और क्वेश्चन बनता है कि वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड अ बिग बैग ऑफ बोरोइंग भारत के संविधान को क्या कहा जाता है बिग बैग ऑफ बोरोइंग कहा जाता है सो नेक्स्ट टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड ए बिग बैग ऑफ बोरिंग भारतीय संविधान को उधार का थेला कहा गया है क्यों कहा गया है कुछ क्रिटिक्स ने इसको क्या कहा गया है नाइव जो आपका सीजर और ग्लू उसका क्या कहा है संविधान का है कि काटो और पेस्ट करो इट मीन्स की सो मैनी प्रोविजन्स विच टूक बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज से हमने बहुत सी बातें ली हुई हैं यही कारण है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा गया है एक बिग बैग ऑफ बोरोइंग कहा गया है सो लेट स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड ओके द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ पिक द बेस्ट फीचर्स फ्रॉम द अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड दैट इज वाई दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक एंड इट्स कंटेंट्स एंड स्प्रिट द प्रीमियवल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द यूनाइटेडेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भारत देश की जो प्रस्तावना है फॉर एग्जाम्पल वो हमने कहाँ से ली है यू एस ए से ली है वहाँ पर विद द पीपल ऑफ़ यू एस ए और हमारे यहाँ पर स्टार्ट कैसे करते हैं विद द पीपल ऑफ इंडिया हम भारत के लोग मैनी पीपल क्रिटिसाइज दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बिग बैग ऑफ पोरवइंग काफ़ी लोग आलोचना करते हैं कि हमारे देश का जो संविधान है वो उधार का थैला है कि यहाँ पर क्या है केवल क्या क्या गया दूसरों से चीजें ली गई हैं और इसके अंदर शामिल की गई है और कुछ लोगों ने कहा है ए पेपर एंड द सीजर वर्क कि काटा कहीं से पेपर पे लिखा और हिंदुस्तान के जो संविधान के अंदर क्या कर दिया इंक्लूड कर दिया तो सबसे पहला जो टॉपिक इसके अंदर हम करने वाले हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जरा ध्यान से रखना ये आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और ये कब आया था 1935। माय डियर स्टूडेंट अगर आपसे कोई पूछ ले कि देश के संविधान के ऊपर सबसे ज्यादा अगर किसी का प्रभाव है जहां से हमने सबसे ज्यादा चीजें ली हैं तो आपका कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अब इसमें कौन कौन से फीचर्स हमने लिए हैं मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं टेक मोर देन टू आर्टिकल्स ध्यान से देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमने कितने आर्टिकल्स लिए मोर देन 200 ये आप यहां पर देखिए 200 से 250 सौ आर्टिकल्स हमने कहां से लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किसने बनाया था ब्रिटिशर्स ने बनाया था ये भी एक सच्चाई है 200 से 250 आर्टिकल या तो हमने उसमें कुछ बदलाव किया या डायरेक्टली हमने किसके अंदर इंक्लूड कर दिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या कर दिए इंक्लूड कर दिए अब वो कौन कौन से प्रोविजन थे मैं कुछ प्रोविजन के बारे में यहाँ पर क्या करता हूँ आपको बताता हूँ तो सबसे पहला जो प्रोविजन था वो था फेडरल स्कीम फेडरल स्कीम फेडरल स्कीम में क्या होता है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स। तो इंडिया के अंदर क्या है आपका वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जो है वो किससे फेडरल स्कीम से क्या करता है रिलेट करता है और यह जो फेडरल स्कीम है ये हमने कहां से ली है यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ली है ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफिस ऑफ गवर्नर गवर्नर जो राज्यपाल जो होता है गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ अ स्टेट ओके तो ये ऑफिस जो है गवर्नर का ये भी हमने कहां से लिया ये भी हमने अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया एमरजेंसी प्रोविजन एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स पब्लिक सर्विस कमीशन ये बहुत से ऐसे पब्लिक सर्विस कमीशन पब्लिक सर्विस कमीशन ये जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये हमने कहां से लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स प्रशासन कैसे चलेगा किस तरह उसकी डिटेल्स तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिटेल्स है वो भी हमने से से ली वो भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ली इसके अलावा हमने जुडिशरी के देश के अंदर क्या होगी न्यायपालिका होगी वो भी हमने कहां से लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया तो जो फर्स्ट आपका इंपॉर्टेंट सोर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जहां से हमने 200 से ढाई आर्टिकल डायरेक्ट उठाए हैं तो वो आपका कौन सा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नेक्स्ट आपका जो सोर्स है वह डियर स्टूडेंट कंट्री जिसका नाम क्या है ब्रिटेन है क्या है ब्रिटेन जिन्होंने हम पर 200 साल से ज़्यादा राज किया तो सेकंड जो हम हमारा जो सोर्स है वो हमारा जो सोर्स है वो कौन सा है ब्रिटेन है ब्रिटेन कौन सा है ब्रिटेन और ब्रिटेन से सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर लिया हमने वो लिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक एक पॉइंट को ढंग से समझना है भारत में संसदीय जो सरकार है वह हमने कहां से लिए वो हमने लिए है ब्रिटेन से कहां से लिए ब्रिटेन से नेक्स्ट प्रोविजन जो हमने ब्रिटेन से लिया है वो है रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ लॉ कौन से आर्टिकल के अंदर है फोर्टीन के अंदर है अभी मैंने बताया कि लॉ इज सुप्रीम नो इज अबाउट द लॉ थर्ड जो प्रोविजन लिया वो लिया सिंगल सिटीजनशिप क्या लिया सिंगल सिटीजनशिप इकैरी नागरिकता ये जो प्रोविजन है ये हमने कहाँ से लिया है ये हमने लिया है ब्रिटेन से ये भी ध्यान रखना उसके बाद कैबिनेट सिस्टम जो है हमारे देश के अंदर कैबिनेट जो है पंद्रह से बीस लोगों का एक क्या होता है समूह होता है जो टॉप लीडर्स होते हैं जो कैबिनेट सिस्टम है वो भी हमने कहाँ से लिया है प्यारे बच्चों वो भी हमने कहाँ से लिया है ब्रिटेन से लिया है इसके अलावा पार्लियामेंट्री प्रिविलजिस पार्लियामेंट्री प्रीविलेजेज जो संसदीय विशेष अधिकार हैं वो भी हमने कहाँ से लिए हैं वो भी हमने ब्रिटेन से लिए हैं इसके अलावा बाई कैमरलिज्म बाई कैमरलिज्म का मतलब है कि हमारे पास क्या है हमारी संसद में द्वि सदनात्मक व्यवस्था है लोकसभा एंड राज्यसभा स्टेट लेवल पर राज्य विधानसभा और विधान परिषद यह भी हमने कहाँ से लिया है ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है एफ पी टी पी फर्स्ट पास्ट दोस्ट सिस्टम एफ पी टी पी हमारे जो लोकसभा के चुनाव होते हैं जो हमारे स्टेट असेंबली के चुनाव होते हैं वो कौन सी वो एफ प्रणाली पर आधारित है कौन सी प्रणाली पर आधारित है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इसमें सिंपल सा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ मान लेते हैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कितनी वोट्स हैं हंड्रेड वोट्स हैं कितनी वोट्स हैं हंड्रेड और यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं वो कितने हैं नंबर ऑफ उम्मीद जो कैंडिडेट्स हैं वो फाइव हैं ए बी सी डी ई वैसे तो सो में से कितना वोट चाहिए जीतने के लिए 51 लेकिन यहां पर 30 वोट वाला व्यक्ति भी क्या कर सकता है जीत सकता है जो सबसे पहले गोल पे वही क्या हो जाता है विनर डिक्लेयर हो जाता है यह कौन सा सिस्टम है एफ -पी -पी क्या है जिसको सबसे ज्यादा मैक्सिमम वोट मिलेंगे वही वो व्यक्ति क्या हो सकता है जीत जाता है देखिए सत्तर का डिविजन कर दो अब इसमें चाहे ट्वेंटी नाइन वोट मिले हूं लेकिन एक तरफ एक व्यक्ति को 30 वोट मिले और चार जो कैंडिडेट है उनके पास रेस्ट ऑफ द वोट कितने हैं 70 लेकिन फिर भी 30 वोट्स वाला जो कैंडिडेट है वो क्या हो सकता है जीत सकता है तो ये जो प्रोविजन है ये हमने कहां से लिए ब्रिटेन से लिए इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर थर्ड के अंदर जब हम इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन सिस्टम पढ़ेंगे उसमें मैं आप सभी को क्या करूंगा ये सारी चीजें समझाऊंगा तो ये हमने कहां से लिए ब्रिटेन से नेक्स्ट जो आपका कंट्री है वो है आयरलैंड कौन सा कंट्री है आयरलैंड आयरलैंड क्या लिया है देखिए आयरलैंड मैं इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट आपको समझा रहा हूं कि हमने किस कंट्री से क्या क्या लिया है सारा अगर समझाएंगे तो ना तो वो थोड़ा सा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वही मैं आपके साथ क्या कर रहा हूं डिस्कस कर रहा हूं तो सबसे पहले हमने जो यहां से लिया है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दीज आर मेंशन इन द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट नंबर फोर फ्रॉम आर्टिकल थर्टी सिक्स टू फिफ्टी वन ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये छत्तीस से इक्यावन आर्टिकल में है और पार्ट कौन से में पार्ट चार के अंदर मैंशन है नेक्स्ट है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा बाय द प्रेजिडेंट तो जो सेकेंड प्रोविजन है नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स इन द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है प्रेसिडेंट बारह सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है ट्वेल्व मेंबर्स कहा राज्यसभा के अंदर जो काफी रिनोन्ड पर्सन होते हैं किसके अंदर स्पोर्ट्स के अंदर आर्ट के अंदर लिटरेचर के अंदर साइंस के, के अंदर उनको नॉमिनेट किया जा सकता है किसके अंदर राज्यसभा के अंदर मैथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेजिडेंट मैथड of the election of the प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रणाली है वो भी हमने कहां से ली है आयरलैंड से ली है तो आयरलैंड के तीन इंपॉर्टेंट प्रोविजन एक बार फिर देख लीजिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉमिनेशन ऑफ द मेबर्स इन राज्यसभा जो ट्वेल्व मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ये भी प्रोविजन हमने कहां से लिया है आयरलैंड से और नेक्स्ट है मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट नेक्स्ट आपका जो कंट्री आता है वो कौन सा है प्यारे बच्चों वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो वर्ल्ड की क्या है एक बहुत बड़ी सुपर पावर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए से सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमने लिया है वो है हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या है फंडामेंटल राइट्स right. जो मौलिक अधिकार हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसके अलावा फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फंक्शंस फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जी के कार्य होंगे वो भी हमने कहाँ से लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिए हैं प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट महाभियोग का प्रस्ताव प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट भी हमने कहाँ से लिया है यूएसए से इस इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा हम प्रेसिडेंट को क्या कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी हम कौन से प्रोसेस के द्वारा रिमूव कर सकते हैं प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट इसके बारे में बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स हो गए जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल रिव्यू ये जुडिशरी के अंदर पढ़ेंगे कि किस तरह जो जुडिशरी अपने डिसीजन को क्या कर सकती है रिव्यू कर सकती है मिस्टेक अगर कोई गलत डिसीजन हो जाए तो जुडिशियल स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ली है नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जुडिशरी था लेकिन जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी ये हमने कहा से ली है

एक तो जो रेसिड्यूरी पावर्स हैं कौन सी पावर्स हैं रेसिड्यूरी पावर्स वेस्ट विद द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट तो कैनेडा से हमने क्या क्या लिया है ध्यान से सुनना है सबसे पहले हमने लिया है रेसिड्यूरी पावर्स कौन सी पावर्स रेसिड्यूरी पावर्स अवशिष्ट शक्तियाँ जो किसके हाथों में होती हैं जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में होती है वो हमने कहाँ से लिए वो हमने लिए है कैनेडा से कहाँ से ली है कैनेडा से नेक्स्ट हमने लिया है सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म इसको समझिए देखिए हमारे देश के अंदर जो फेडरलिज्म है वो उसके अंदर जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमेशा क्या रहता है मोर पावरफुल रहता है एज कंपेयर टू स्टेट्स गवर्नमेंट जब मैंने डिवीज़न ऑफ पावर्स की बात की बाय द थ्री लिस्ट तो यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कॉन्ट लिस्ट यह मैंने आपको बताया था इसमें अगर केवल स्टेट लिस्ट को छोड़ दिया जाए और इमरजेंसी टाइम में तो यह भी किसके अधिकार क्षेत्र में चला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में चला जाता है तो जहां पर भी आप देखोगे तो वहां पर आपको एक गवर्नमेंट पावरफुल मिलेगी जिसका नाम क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्री फ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म है वो भी हमने कहां से लिया है कैनेडा से लिया है इन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑलवेज मोर पावरफुल देन द स्टेट्स गवर्नमेंट नेक्स्ट आपका एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो क्या है एडवाइजरी जुडिडिक्शन है यह भी आपने कहां से लिया है कैनेडा से लिया है कहां से लिया है कैनेडा से सेंटर अपॉइंट द सेंटर अपॉइंट दवर्नर गवर्नर ऑफ द स्टेट जितने भी जो आपके गवर्नर होते हैं इनको अपॉइंट तो किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा लेकिन उसकी रिकमेंडेशन कहाँ से जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जाती है इसलिए गवर्नर को एक एजेंट माना जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कहाँ पर जो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर क्या करता है काम करता है अब जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पर तो क्या होता है आपका गवर्नर होता है स्टेट्स के अंदर क्या होगा गवर्नर होगा जितने भी यूटी होते हैं वहाँ पर आपका क्या होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर नेक्स्ट जो आपका कंट्री आता है वो आता है ऑस्ट्रेलिया क्या आएगा अब आपका ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट कंट्री जहां से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस इंक्लूड किए हैं वो आपका है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया जो खुद में एक कंट्री भी है आपका एक कॉन्टिनेंट भी है ठीक है तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट फर्स्ट हमने जो लिया है वो लिया है कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट लिस्ट और कॉन्क्रेंट लिस्ट के अंदर अभी जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं वह है फिफ्टी टू ये ध्यान रखना है संवर्ती सूची हमने कहाँ से, से लिया है ऑस्ट्रेलिया से ली है आर्टिकल वन जीरो एट देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन दैट इज ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट अगर किसी इशू के ऊपर मान लेते हैं लोकसभा राज्यसभा सबारा के बीच में मतभेद हो जाए तो आर्टिकल 108 के द्वारा हम क्या कर सकते हैं ज्वाइंट सीटिंग और ज्वाइंट सीटिंग बुलाने का जो अधिकार होता है वो महामहिम के पास होता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होता है ये प्रोविजन हमने कहाँ से ले रखा है ये हमने ले रखा है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से नेक्स्ट आपका है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स देखो बच्चों जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ लेने की कोशिश की है बाकी अगर सारे हम डिस्कस करेंगे तो वो हमारी समझ से परे हो जाएगा एक बार तो क्योंकि यही वो कॉन्सेप्ट हैं यही वो प्रोविजन हैं जो अक्सर किस में पूछे जाते हैं जो आपके जितने आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होते हैं उनके अंदर पूछे जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से हमने मोस्टली ये जो तीन इंपॉर्टेंट प्रोविज़न ले रखे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्क्रेंट लिस्ट ज्वाइंट सेशन एंड द फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स नेक्स्ट आपका आता है यूएसएसआर एंड रशिया देखो रशिया जो 1991 से पहले रशिया बिकेम द सक्सेसर ग्रुप ऑफ यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक नेक्स्ट जो हम कंट्री के बारे में बात करेंगे उसका नाम क्या है यूएसएसआर रशिया जब कोल्ड वॉर चल रहा था उस समय वर्ल्ड टू पार्ट्स के अंदर बटा हुआ था बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर फर्स्ट चैप्टर क्लास ट्वेल्थ में आप पढ़ेंगे इसके बारे में जब हम एयर ऑफ कोल्ड वॉर पढ़ेंगे तो यूएसएसआर से हमने कौन कौन से प्रोविजंस लिए हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है बच्चों फंडामेंटल ड्यूटीज एक देश के नागरिक होने के नाते राइट सब मांगते हैं लेकिन हमारे देश के संविधान के अंदर कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी गई है जिनके नंबर क्या है ग्यारह है और जो हमने कहां से लिए रशिया से लिए हैं और ये कौन से पार्ट में फोर्थ ए में है और कौन से आर्टिकल के अंदर है ये भी आपको पता होना चाहिए फिफ्टी वन ए के अंदर फिफ्टी वन ए ये आर्टिकल है ये आपका क्या हो गया चैप्टर हो गया नेक्स्ट जो प्रोविजन हमने कहां से लिया है यूएसएसआर से लिया है वो लिया है द आइडियल्स ऑफ जस्टिस अब आइडियल्स ऑफ जस्टिस इसमें कौन कौन से जस्टिस आएंगे सोशल जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस विच आर एक्सप्रेस इन द प्रीमियबल जिन जस्टिस की बात की गई चाहे वो इकोनॉमिक जस्टिस है चाहे वो पॉलिटिकल जस्टिस है चाहे वो सोशल जस्टिस है ये जस्टिस का जो आपका क्या है प्रोविजन है ये भी हमने कहां से लिया है हमने यूएसएसआर से लिया है विच आर एन इन द प्रीमेबल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट आपका कंट्री आता है फ्रांस फ्रांस आपको पता है कि जिन्होंने तीन मैजिकल वर्ड दिए इस दुनिया को फ्रांस से हमने क्या क्या लिया फ्रांस से हमने लिया लिबर्टी दूसरा हमने लिया इक्वलिटी और तीसरा हमने क्या लिया फ्रेटर्निटी ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या हैं तीन आपके पिलर्स भी हैं जिनके आधार पर कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री क्या करता है काम करता है और दूसरा हमने क्या लिया कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक इंडिया को क्या कहा गया है रिपब्लिक कहा गया है ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है फ्रांस से लिया है कहां से लिया है फ्रांस नेक्स्ट आपका कंट्री आता है जर्मनी क्या आता है जर्मनी प्रेसिडेंट की जो इमरजेंसी पावर अभी जो 352, 356 और 360 के बारे में मैंने आपको बताया ये सारी इमरजेंसी पावर हमने कहां से ली है जर्मनी से कहां से लिया है जर्मनी से सस्पेंशन ऑफ इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट आता है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी एमरजेंसी के दौरान एक प्रोविजन होता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जा सकता है सस्पेंड किया जा सकता है यह भी हमने कहां से लिया है जर्मनी से लिया है. कहां से लिया है जर्मनी नेक्स्ट आपका कंट्री आता है साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका जो किसके लिए जाना जाता है अपर्थाइड सिस्टम के लिए जाना जाता था या नेल्सन मंडेला नेल्सन मंडेला जो 28 एट ईयर्स तक आ रहे थे जेल में रहे थे जो अपरथाइड सिस्टम के खिलाफ लड़े थे साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया अमेंडमेंट प्रोसेस कौन सा प्रोसेस अमेंडमेंट प्रोसेस देश के संविधान में अगर कुछ बदलाव करने हों तो उसके लिए संवैधानिक संशोधन करने पड़ते हैं जो कौन से आर्टिकल के अंदर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्री सिक्सटी एट आर्टिकल के अंदर है तो ये भी हमने कहाँ से लिया है दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से लिया है इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा राज्यसभा मेंबर का जो इलेक्शन है ये प्रोविजन भी हमने कहां से लिया है ये भी हमने आपके किससे लिया है आपके साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है नेक्स्ट एक कंट्री आता है जापान जापान से हमने के लिया है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ सो दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रोविजन विच आर टेकन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सो डियर स्टूडेंट्स टूडे वी डिस्कस द रेस्ट ऑफ द चैप्टर द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऑफ चैप्टर नंबर वन द कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ पूरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है अच्छे से एनसीआरटी को रीड करना है और जो रिमेनिंग नोट्स है वो मैं अभी आपको पी में सेंड कर रहा हूँ उसको आपको क्या लिख लेना है नोटबुक के अंदर लिख लेना है जिसके अंदर कुछ क्वेश्चन आंसर भी होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब जय हिंद जय भारत